मित्रों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करना क्यों जरूरी है और इस मंत्र के जाप के क्या फायदे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। मित्रों, आपको बता दे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र को हल्के में लेने का गलती कदापि नहीं करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव और लाभ बहुत ही अपरंपार हैं, जिसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसका महत्व जानने से पहले हमें शिव को समझना होगा। आइए जानते हैं कि शिव कौन है। मित्रों, शिव वह शून्य है, अंतरिक्ष का अंधेरा, खाली शून्य, जिससे सारी सृष्टि, तारे, ग्रह, आकाश, गंगा, पहाड़, महासागर, सभी जीव प्राणी आदि प्रकट होते हैं और जिसमें सारी सृष्टि बिखर जाती है। यह सवाल मेरे मन में भी हलचल मचा रही थी और जैसा कि मैंने और अधिक खोज की कि यह सर्वोच्च ऊर्जा कौन है, मैंने महसूस किया कि शिव एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है। इसे शिव तत्व कहा जाता है, जो एक सर्वव्यापी चेतना है जो इस शून्यता को भरती है। आज खगोल विज्ञान भी हमें बताता है कि 99.99% ब्रह्मांड बस खाली है, शून्य है, अर्थात अंधकार है। अगर आप सही दृष्टि से देखें, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार के गोद में ही खेल रही है। ब्रह्मांड में 95% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वे प्रकाश को परावर्तित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करते हैं और इसलिए कभी भी नहीं देखा जा सकता है। शिव का अर्थ है जो निर्दोष, परोपकारी, सुंदर, पारलौकिक और निरपेक्ष है। पांच तत्वों, हमारे अस्तित्व की सात परतों और हमारी चेतना के बीच एक निश्चित संबंध है। शिव ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से व्याप्त है और आप पाएंगे कि हमारे भीतर शिव तत्व पूर्ण शून्य का अनुभव करना संभव है। यानी यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके गोद में खिल रही हैं और हंस रही हैं, वही शिव हैं। आइए अब ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व है, इसे जानते हैं। मित्रों, यह मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस लाते हैं। मंत्रों का जाप या सुनना स्पंदन उत्पन्न करता है, सकारात्मक जीवन, उत्थान, ऊर्जा और सार्वभौमिक है। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के जाप से आपके सिस्टम में ऊर्जा का निर्माण होता है और वातावरण भी साफ होता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के शरीर के अंदर अद्भुत आनंदमय ऊर्जा का जन्म होता है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में न जाने ऐसे कितने कथा देखने को मिलते हैं, जिसमें कोई साधक या भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव के प्रत्यक्ष दर्शन किया है और वरदान भी पाया है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। मित्रों, नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। इसमें पांच अक्षर हैं, ना, मा, शि, वा, या। ये पांच अक्षर पांच तत्वों भूत के रूप को इंगित करते हैं, जिसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांच तत्व मानव शरीर सहित सृष्टि में हर चीज के निर्माण खंड हैं और भगवान शिव इन पांच तत्वों के स्वामी हैं, जबकि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का अर्थ है शांति और प्रेम। तो पर्यावरण में पांच तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जब पांचों तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो आनंद होता है और न केवल आपके भीतर बल्कि आपके आसपास भी आनंद होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमें अपने भीतर के पांच तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे मन शांत हो जाता है। मौन से शिव तत्व का अनुभव होता है। इस तरह इस मंत्र के माध्यम से हर कोई शिव तक पहुँच सकता है। इस मंत्र का जाप हमारे अस्तित्व के विभिन्न कोशों या परतों को जोड़ता है और हमारे भीतर शिव के गुणों को बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के लाभ। मित्रों, ओम नमः शिवाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
इसके नियमित जप से मन स्थिर और शांत रहता है और यह आपके इंद्रियों को नियंत्रित करता है और इससे आत्म शुद्धि भी होता है। ओम नमः शिवाय आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना देता है, आध्यात्मिक और भौतिक सुखों का अनुभव करवाता है। नौ ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, चूंकि शिव तत्व पीठासीन ऊर्जा है और ग्रहों को भी नियंत्रित करता है, व्यक्ति के अंदर शिव तत्व का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं कि ओम नमः शिवाय का जप कैसे करें। सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करें तो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसका जाप दिन में भी किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान होता है। हालांकि अगर आप इन समयों को याद करते हैं तो चिंता न करें, यह शक्तिशाली मंत्र दिन के सभी प्रहरों पर फायदेमंद होगा। ओम नमः शिवाय का जाप या तो जोर से या अपने मन में चुपचाप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का लगातार 108 बार जाप करने से बेहतरीन अनुभव मिलता है। इस मंत्र से व्यक्ति बहुत जल्द ही शिव जी के कृपा प्राप्त कर लेता है। निसंदेह कलयुग में यह मंत्र अमृत के समान है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस मंत्र के जाप से शिव जी को प्राप्त किया जा सकता है।